तो मैं अभी आ गया हूँ नीचे। आप Hey guys, welcome back to my channel, Ankur's Vlogs। आज लोग करते हैं शुरू। तो आज बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश। मैं दिखाता हूँ आपको बाहर कितनी बारिश। आज सुबह मॉर्निंग से मतलब स्टार्ट तो रात की हो गई थी बारिश पड़नी, करीबन 12 बजे, और अभी तक बारिश पड़ रही है सुबह के। अभी बज रहे हैं 10 बजे है, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। गाइज आप लोग देख सकते हो सुबह से ही बारिश पड़ रही है, आज काफ़ी बारिश हो रही है, और पता नहीं अभी तक तो कब तक बंद होगी। गाइज अभी भी बारिश पड़ रही है और काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 12 बज चुके हैं, और पता नहीं आज तो सुबह से बारिश नहीं रुक रही। वैसे भी बारिश अभी इन दिनों में, क्योंकि मॉनसून आ गया इंडिया में, तो बारिश तो होती रहेगी इन दिनों में। आप देख सकते हो बारिश अभी भी पड़ रही है, सुबह से पड़ रही है, मतलब रात से पड़ रही है, और इसको काफ़ी समय हो गया अभी। और क्योंकि इन दिनों सभी भी गन्ना बोता है, यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग गन्ना बोते हैं इधर, और तो खेती किसानी के लोग हैं सब, तो बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को पानी की इन दिनों में। तो अच्छा है बारिश इतनी पड़ी उतनी कम, तो आज बारिश का एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग, गाँव में घूम रहे होंगे सब अपने घर पर। और मुझे मेरठ भी जाना था, पर लेकिन आज इस बारिश की वजह से मैं मेरठ नहीं जा सका, क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना था अपना, मतलब बुक्स लानी थी, तो अब कल ही जाऊँगा। तो और हाँ भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता हो तो, यार इतना तो कर दिया करो। देखो नीचे आ गया हूँ मैं, और सारे पशु हमारे जो एनिमल्स हैं ऐसे ही बंधे हुए हैं सामने, क्योंकि अब इनको ठंड भी लगने लग गई होगी। ये बेचारा जो है हमारे गाय का बछड़ा जो है, ये बेचारा ऐसे ही बंध रहा है। इसके लिए मैं कुछ करूँगा अब जो बारिश से बचे, और अभी तो पता नहीं कब तक बारिश रुकेगी। और सामने जो है इधर कच्चा है, और इधर सारा ये पक्का है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मिट्टी वगैरह की। उधर जो है कीचड़ होने की संभावना रहती है, तो इसलिए उधर और रपट भी सकते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ नानी के पास, मैं मिलवाता हूँ नानी से। तो नानी आज बताओ बारिश पड़ रही है, आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। तो भाई नानी कह रही है अच्छा लग रहा है बारिश, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। और आप पंखे में सोती हो नहीं सोती हो अभी? मैं पंखे में सोऊँ वैसे भी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जब गर्मी लगती है तो पंखे सोती है, नहीं तो वैसे बिना पंखे की सोती है। और मैं बता दूं नानी जो है रेलवे में जॉब करती थी। नानी जी जो है 2004 में रिटायरमेंट हुआ, मतलब लिया है इन्होंने रेलवे से, तो जब से अभी पेंशन लेती है नानी जी पूरी कंप्लीट। गाइज मैंने ले लिया छाता, मुझे जाना थोड़ा बाहर देखाना कि गली में क्या है, मतलब कि पानी वगैरह तो नहीं भर रहा है। तो चलते हैं समेला के साथ, क्योंकि बारिश से बचना भी ज़रूरी है। चलते हैं गाइज, क्योंकि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ईंट बिछी हुई है, क्योंकि अब काफ़ी काई भी लग गई है पानी की वजह से, क्योंकि रोज़ बारिश पड़ रही है, तो यहाँ पे रपटने का भी खतरा है बहुत ज़्यादा। देखो अपने तो पूरा हरा हरा हो रहा है फर्श। तो मैं आ गया हूँ बाहर, वैसे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है इतना, क्योंकि नया खड़ौंजा लगा हुआ है, तो पानी तो भरता नहीं यहाँ पे, नाली सब सही है और पानी नहीं भर रहा है यहाँ पे। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर घर की तरफ, सब कुछ ठीक है वगैरह, और भाई बस अब कुछ खाएँगे कि भूख काफ़ी लग रही है। तो गाइस ब्लॉग तो करते हैं एंड, और काफ़ी आज बन गया, काफ़ी मतलब ज़्यादा लंबा तो है नहीं, पर 3-3.5 मिनट का बन गया है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।